तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टर राजीव जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर राजीव या एक मिक्स्ड फीलिंग है, एक नर्वसनेस भी है, एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि टचवुड हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ से भी अभी तक. म्यूजिक इज ऑलरेडी अ हिट नाउ, तीनों गाने अच्छे चल रहे हैं सारे चार्ट्स पर. फिर जिस भी सिटी में हम अभी तक हम लोग गए हैं प्रमोट करने, तो वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कॉलेजेस में, मॉल्स में और लाइव ऑडियंस के बीच में. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड उम्मीद करते हैं कि मतलब ये सारी जो उनकी एक्साइटमेंट है लोगों की भी, वो सब देखने जाएं, क्योंकि एक्साइटमेंट सिर्फ वहीं तक नहीं रहनी चाहिए कि मिलके खुश हो रहे हैं, लेकिन इट शुड ऑल्सो बी कन्वर्ट इन टू द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर. सो वो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सी आई थिंक फर्स्टली थैंक्स टू रविंदर जी, ही इज गिवन दिस फिल्म अ न्यू फेस, मतलब अ फेस ऐसा, क्योंकि उन्होंने ग्रीस की एक ऐसी जगह पे इस फिल्म को ले जाके बेस किया जहाँ पे अदरवाइज में भी लोग नहीं जाते, क्योंकि सेंटोरिनी या मेकनोज ऐसे आइलैंड्स में यूजली हमने ग्रीस को देखा है जहाँ पे सब वाइट होता है, ब्लू वाटर्स आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें माउंटेंस दिखे हैं. वी हैव सीन मतलब आपको आइस देखने को मिलेगा, आपको एक सेपरेट सा एक टाउन, छोटा सा एक शहर देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गॉट इट्स ओन कैरेक्टर जो एक हॉरर फिल्म में परफेक्टली प्लेस्ड है. अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ही इज ऑल्सो पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी इनटू द वीएफएक्स ऑफ द फिल्म व्हिच इज़ अ ह्यूज थिंग इन टुडेज़ टाइम. उसके साथ में राजीव जी डायरेक्शन फॉर दिस हॉरर फिल्म हैज़ बीन सुपर, बिकॉज उन्होंने पूरा अटेंशन पे किया है कि हर एंगल से जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, वो बहुत अच्छी से दी जाए. देन सारे एक्टर्स की जो कैमराडरी है वो सारी नज़र आए स्क्रीन पर, और वो दिख रही है मतलब, और उस एंगल से यू नो वो अच्छा लग रहा है. I would like to say that it's been an absolute pleasure. One thing is there that bang on what Rajneesh said, that the locations जहाँ हमने शूट किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थे, और जिस तरह की कहानी थी और जिस तरह का ट्रीटमेंट हमें देना था वो हमें बहुत आसानी से मिल गया उस लोकेशन में. इट वॉज़ वेरी फ्रेश एंड I mean there is a very fine line also, like one thing is that aap shoot horror picture bana lo lekin aapke visuals effects and all that are supposed to be on point, otherwise it's a very small line, either you can get it right or either you can go completely wrong. तो हमारी फिल्म इनफैक्ट बहुत टाइम इफेक्ट्स में बैठी है एंड स्टफ लाइक दैट. वी gone through a lot of process and I will say thank you to my producer for that, because there is that kind of support that you do need from the production house to make such a film. Where Rajiv comes in, I absolutely enjoyed working with him, kyunki unki itni clarity thi unke dimag mein, unko pata tha exactly what he wanted, and he's very resourceful also. Kabhi kabhi hamare set pe itna kabhi kabhi weather ki wajah se itna issue ho jata tha, but he was one person I've seen that does not waste any time. Unhone foran camera ghuma ke ek dusra scene kaat liya because we couldn't shoot this one scene, and you know worked his way around that. Aur हमने काफ़ी मतलब सुबह से शाम तक हम खड़े रहते थे एंड ऑल, बट पूरी टीम हमारी द डायरेक्शन द प्रोडक्शन एंड एवरीबडी बहुत ही प्यार से, बहुत ही इकट्ठे होके और बहुत ही पैशन एंड हार्डवर्क से ये पिक्चर बनाए. तो इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और सीखने भी बहुत मिला. No, absolutely not. I don't think it was competitive in any way, because हमारे जितने भी characters थे they were very different from each other. ऊपर से हर एक character जो film में था, हम चारों में से हर एक character बहुत ही important है according to the story.
तो ये एक बात होती है कि ठीक है आप न्यूज़ बनाने के लिए बोलो कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन इट वाज नॉट, इनफैक्ट वी टुक केयर ऑफ ईच अदर ऑल द टाइम. आई मीन हम लोग के जितने कॉस्ट्यूम्स थे उस ठंड में, समटाइम्स वी वर शोइंग ग्रीस इन द समर एंड ऑल दैट, लेकिन एक्चुअली बहुत ठंड थी, तो हम सारों के कॉस्ट्यूम्स कभी ऐसे थे कि वी वर ऑल सफरिंग. सो वी हैड दैट कॉमराडी बिटवीन ईच अदर, वेर वी वर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. एंड ऑल आर, हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं बहुत ही पैरेलल है टू एवरी. ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हीरोइन एंड ओनली पूजा इज द हीरोइन एंड ओनली शफक इज द हीरोइन. वी आर ऑल लीड्स इन द फिल्म. इट्स नॉट कि दिस वन इज, एंड ऑल ऑफ देम इज इम्पॉर्टेंट टू द स्टोरी. नॉट जस्ट मी, नॉट जस्ट रजनीश, नॉट जस्ट कुणाल, नॉट जस्ट पूजा, नॉट जस्ट शफाक. ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज वेरी असेंशियल टू द स्टोरी एंड वी अंडरस्टैंड दैट एज एक्टर्स एंड वी मूव फॉरवर्ड विद दैट वन ओनली वन थॉट. कहने का मतलब है कि चारों लड़कियां बहुत करीब हो गई. हाँ, करीब हो गई. इनफैक्ट वी गॉट अलॉन्ग मॉर देन देम, बिकॉज वी यूज टू बी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर सिचुएशन और हेल्पिंग ईच अदर आउट. आई मीन दिस गाइज अपने जैकेट वैकेट में रहते थे, बट यू नो आई मीन हम लोग सब कोई एक बीमार पड़ जाता था एंड स्टफ लाइक दैट. तो वी हैड दैट कॉमराडी एंड दिस इज द मिलेनिया. या वो हीरोइने का कॉम्पिटिशन पुरानी बात हो गई है. आई थिंक ही इज डन हिज बेस्ट एंड मोर देन व्हाट ही इज डन इन 1920 आई थिंक. लाइक पर बेस्ट पार्ट इज इसकी मेरा पहला पहली फिल्म है, बट किसी ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि ये पहली फिल्म है. दे वर सो कम्फर्टेबल, दे वर डूइंग व्हाट दे वर सपोज टू डू, दे वर गिविंग द बेस्ट. And it just went so smoothly that I was really enjoyed from the beginning of the film, you know. Lucky producer. लेकिन एक हॉरर फिल्म को ऑडियंस मिलना आपके कारण से कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत अलग अलग मतलब फिल्म बन रही है और हॉरर फिल्म तक उस तरह से मार्केट है. देखिए, आपका फर्ज है, आप अपना जो कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू आर गिविंग टू द ऑडियंस. लेट्स ऑडियंस व्हाट दे जज अबाउट इट, बट यू हैव टू कीप गोइंग. ये तो है नहीं कि बंद कर देंगे आप ऑडियो, लाइक हॉरर बनाना या कॉमेडी बनाना. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू द मार्केट, यू नो. अभी मैं एक और कॉमेडी कर रहा हूँ, अभी हॉरर किया, तो नेक्स्ट फिल्म आई हैव डन इज कॉमेडी. देन आई एम स्टार्टिंग अनदर वन हॉरर फिल्म दैट इज आफ्टर दिस कॉमेडी. एंड आई एम लॉन्चिंग अ म्यूजिक कंपनी ऑल्सो बाय बिग बैड म्यूजिक ऑन 18th August. देखिए, मुझे हॉरर फिल्म बनाने की बहुत अंदर से बहुत इच्छा होती है कि हॉरर फिल्म बनाऊं. और लास्ट भी मैंने हॉरर फिल्म बनाई थी सासे, जो कि जब नोटबंदी हुई थी तब रिलीज़ हुई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा उसको लोगों ने पसंद किया था. और उसी टाइम पे एक मुश्किल का कॉन्सेप्ट आया, फिर धारिया जी मिले. धारिया जी को फिल्म बनाना था, इनकी कंपनी है बिग बैट, इनको फिल्म बनाना था. तब जब धारिया जी से मिले, उनको भी हॉरर ही बनाना था, तो चार पांच कहानी सुनाई गई. फिर जब उनको मुश्किल सुनाया गया, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे यही बनाना, और वैसे ये फिल्म फ्लोर पे गई. लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल पहले की बात है, रामू वर्मा काफ़ी सफल के लिए मार्केट में थे, निर्देशक बने रहते, मतलब इस तरह की फिल्म बनाने. लेकिन बाद में उनका ये जो फिल्म बनाने का और फिल्म बनाने का जो एक्सपेरिमेंट था, वो फेल हो गया. तो विक्रम भट्टी भी ट्राई किया इस चीज़ को, तब समझते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट करती है. देखिए, मेरे हिसाब से अगर हॉरर फिल्म एक अच्छी सी अगर आप बनाएं, अच्छी क्लासी हॉरर फिल्म बनाएं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विक्रम भट्ट का, कि उन्होंने पूरा जॉनर ही चेंज कर दिया हॉरर फिल्म का. और जिस तरीके से उन्होंने हॉरर को प्रेजेंट किया, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, बॉलीवुड में भी हॉरर फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है. म्यूज़िकल हॉरर उन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ. तो आप अच्छी हॉरर बनाओगे तो 100% हॉरर फिल्म चलेगी. इस फिल्म में खास करके मैं मेरी फिल्म के बारे में बताऊँगा कि मेरी फिल्म में हॉरर बहुत अलग है, डिफरेंट है, जिसमें आपको ग्रीस और एक बनारस का दो फ्लेवर एक साथ मिलेंगे. रजनीश को आज तक किसी ने गोस्ट राइडर में नहीं देखा, उसको हमेशा कोई ना कोई फिल्म में विक्टिम रहा है, लेकिन इस फिल्म में गोस्ट राइडर खुद हॉरर मतलब भूत को भगाने का काम कर रहा है इस फिल्म में, तो सबसे ज़्यादा आपको अलग दिखेगा. बहुत अच्छा अनुभव रहा है राजीव सर के साथ एंड दारिया जी के साथ काम करने का. मुझे लगता है कि राजीव सर एक बहुत ही हार्डवर्किंग डायरेक्टर है, क्योंकि जब हम लोग ग्रीस पहुँचे थे, तो वहाँ पे जो वेदर था, हम ये सोच के गए थे कि वेदर क्लियर मिलेगा,
लेकिन वहाँ जाके स्नोफॉल होने लगा था, बारिश होने लगी थी। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने जिस तरह तरीके से संभाला कि मतलब पूरा का पूरा आपका यू नो पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है अगर लोकेशन पे स्नोफॉल हो जाती है सडनली फॉर ऑफ नो रीज़न। सो उन्होंने तभी भी लाइक इतनी वेदर सिचुएशंस बहुत बुरी थी, उस सिचुएशन में भी उन्होंने टाइम का सदुपयोग किया और जो बेस्ट निकाल सकते थे वो बेस्ट निकाला है। मैम, ये टीवी इंडस्ट्री क्या इस तरह से, क्योंकि हम यानी आज के दौर में जो कलाकार टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है? मुझे लगता है कि अभी जो पूरा इंडस्ट्री है वो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंटेंट। अगर सब्जेक्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, अच्छे से बनाया गया है तो नो मैटर आप कहाँ से आते हैं, डजंट मैटर। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो नहीं चल रही हैं और आजकल बहुत छोटी छोटी फिल्में जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये चलेंगी, तो दे आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज जो व्यूअर्स हैं वो बहुत समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि वो क्या देखना चाहते हैं। पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ लड़कियां गाना गाने के लिए और आसपास नाचने के लिए होती थी, तो अभी आई थिंक पूरा जो इंडियन सिनेमा है इट्स इवॉल्विंग इन वेरी फास्ट रेट। देखिए मेरे हिसाब से कंटेंट फिल्म तो बनना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, और जैसे कि अभी आई थी ताशकंद फाइल आई थी और वैसी बहुत सी फिल्म आई थी जिसके कंटेंट्स हिट रहे थे, यूनिक फिल्म्स रहे थे। तो मैं चाहूँगा, मैं खुद भी आगे ये चाहूँगा कि कंटेंट फिल्म बनाऊँ, और मैंने वैसी अभी मेरी एक कंटेंट फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम फ्लेम है, जिसने काफ़ी अवार्ड भी ले लिए हुए। तो और रहा हॉरर से कंटेंट का सवाल, तो हमारी फिल्म में भी आपको एक कंटेंट नज़र आएगा। ये ऐसी टिपिकल हॉरर फिल्म जैसी नहीं है कि बनाया, गाना गाया और भूत आया निकल गया, वैसी नहीं है। इसमें पूरी की पूरी एक कहानी है, पूरी की पूरी एक हीरो की एक लड़कियों की एक जर्नी है कि लड़कियों के साथ क्या क्या होता है और हीरो के साथ क्या हुआ, उनका बैकड्रॉप क्या है और पूरी एक जर्नी को कैसे मैच किया गया। और देखिए मैंने स्पेशली मराठी फिल्म इसके लिए डायरेक्ट करना चालू की थी क्योंकि उसमें कंटेंट था, इसमें कंटेंट हमें नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। मराठी लोग, मराठी ऑडियंस बहुत शार्प ऑडियंस है एक्चुअली, वो लोग कंटेंट बेस्ड ही फिल्म पसंद करते और कोई फिल्म नहीं करते। तो मैंने बनाई थी युद्ध पहली फिल्म जिसमें बहुत अवार्ड, दूसरी भी मैंने बनाई, तीसरी मेरी रिलीज हो रही है विट्ठल, तो वो सब कॉन्टेंट बेस्ड फिल्म। टेलीविजन वेब शो बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं खुद एज अ व्यूअर अभी कम्प्लीटली सीरीज़ वगैरह देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाला समय है वो कम्प्लीटली डिजिटल होने वाला है और इंडिया का तो अभी डिजिटल फेज स्टार्ट हुआ है। सो जो नेक्स्ट जनरेशन है, नो बड़ी, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि टीवी के सामने बैठ के देखे या थिएटर पे जाएं। आने वाले टाइम में अनदर 5 ईयर्स मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल गो डिजिटल। सो एज एन आर्टिस्ट ऑफकोर्स जितना बड़ा स्पेस होता है, क्योंकि डिजिटल का स्पेस बहुत बड़ा है, थिएटर में एक थिएटर में लिमिटेड लोग जा सकते हैं लेकिन डिजिटल कोई भी कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड कभी भी देख सकता है, तो आपका जो ऑडियंस है वो बढ़ जाता है और आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंडिया में काम किया तो USA में नहीं दिख सकते हैं, तो दैट्स डिजिटल विल बी द न्यू एज एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। देखिए मेरी माई फ्रेंड नशा पार्ट 4 रिलीज़ पे है, इसके बाद मैं एक हॉरर तो ऑफकोर्स करूँगा, हॉरर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद 2 पिक्चर मेरी पाइपलाइन पे, एक साजन चले ससुराल 2 कर रहा हूँ मैं और एक फिल्म कर रहा हूँ अलर्ट। मैं चाहूँगा वो अभी बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आफ्टर डेविड धवन वो फिल्म सेकंड पार्ट मुझे मिली है साजन चले ससुराल की, और उसकी स्क्रिप्टिंग पे अभी मेहनत हो रही है किस तरह कैसे, आर्टिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुए क्योंकि आर्टिस्ट सब डर रहे कि उनको गोविंदा के शूज़ में पाँव डालना है। तो गोविंदा, देखिए गोविंदा आज की जो यूथ है, यूथ के हिसाब से गोविंदा आप समझ सकते हैं कि अभी इस यूथ के लिए मैच नहीं होंगे, तो हम लोग वैसे ही ढूंढ रहे हैं स्टारकास्ट की जो गोविंदा से एकदम मैच जैसा वरुण है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो वैसे ही हम लोग ढूंढ रहे हैं कि स्क्रिप्ट एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टारकास्ट हो जाएगा। थैंक यू।